दोस्तों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई, लेकिन शाम के टाइम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं कोल्ड से आया हूँ और आज मैं सुबह से ही कोल्ड में था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं आपको काफी अच्छी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कोल्ड में मैंने जो आलू बेचा वो क्या रेट बेचा है, क्योंकि आज मैंने अपना आलू भी बेचा है। तो सारी कुछ जानकारी इस वीडियो मिलने वाली है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, फिलहाल ये भी सारी कुछ बताएंगे कि अभी जो आलू निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, कितना निकल रहा है पहले के अपेक्षा, क्या किसान इसको बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसके लिए क्या लग रहा है। तो सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे आज के ताजा भाव क्या रहे, कहाँ पे आए तेजी, कहाँ पे आए मंदा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले आज के आलू के भाव, फिर मैं अभी आपको पर्ची दिखाने वाला हूँ कोल्ड में मैंने क्या रेट अपना आलू बेचा है। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के आलू के ताजा भाव। तो सबसे पहले हम हरियाणा के पानीपत की बात करेंगे, तो वहां पर चिप्सोन आलू बिका 920 से लेके 1030 रुपए पैकेट, और सैंतीस स्थान में आलू बिका 750 से लेके 850 रुपए पैकेट, और पुखराज ख्याति बिका दोस्तों 700 से लेके 800 रुपए पैकेट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इलाहाबाद के बारे में। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज में दोस्तों G4 आलू बिका 18 से 19 रुपए किलो, और T7 आलू बिका दोस्तों 15 से 16 रुपए किलो, और पोखरा आलू बिका दोस्तों 14 से 15 रुपए किलो। अब दोस्तों इसी में गोरखपुर मंडी की बात कर लेते हैं, वहां पे हॉलैंड आलू दोस्तों जो लाल होता है लंबी चाल का, वो बिका 17 से 18 रुपए किलो, और सैंतीस तारा बिका 15 से 16 रुपए किलो, और सिंदूर भी बिका 15 से 16 रुपए किलो, 50 केजी की तौल है। और दोस्तों कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में दोस्तों हॉलैंड आलू बिका 18 से 20 रुपए किलो, और सिंदूरी आलू बिका 16 से 18 रुपए किलो, और सैंतीस तारा बिका 14 से 15 रुपए किलो, और दोस्तों हाईब्रिड बिका 15 से 17 रुपए किलो, और लॉकर की बात करें 10 से 12 रुपए किलो, और हाइब्रिड जो गुल्ली सबसे छोटी साइज होती है उसकी बात करें 6 से 10 रुपए किलो बिका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम नासिक की, क्योंकि अब साउथ के बारे में जो बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि साउथ में अच्छी तेजी बनी हुई है। अगर एक्स्ट्रा सुपर आलू की बात करें BIP की, तो वो बिका है 19 से 21 रुपए किलो, लेकिन कुछ आलू सुबह सुबह के टाइम 23 रुपए किलो भी बिक चुके हैं। तो हल्के क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो वो बिका 17 से 19 रुपए किलो 37 स्थान पे, और 302 की बात करें वो बिका 17 से 20 रुपए किलो, और मोटा जो गुल्ला मोटी टपक का जो गुल्ला वो बिका दोस्तों 1000 से लेके 1500 रुपए क्विंटल। अब दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, वहां पे चिप्सोन आलू बिका है 16 से 22 रुपए किलो, और देसी आलू बिका है 11 से 17 रुपए किलो, और लॉकर आलू बिका दोस्तों 16 से 18 रुपए किलो। अब दोस्तों तमिलनाडु की मेट्रोपॉल मंडी की बात करें, तो वहां पे गुजरात का आलू बिका है 1100 से लेके 1200 रुपए पैकेट, 45 किलो की तौल है, और आगरा का बिका है 1100 से लेके 1200 रुपए पैकेट, वो भी 45 किलो की तौल है। मदुरा मंडी की बात करें तो दोस्तों 37 स्थान बिक रहा 22 से 26 रुपए किलो, और यशवंतपुर मंडी की बात करें बेंगलोर की कर्नाटक की, वो बिक रहा है गुजरात का आलू 24 से 28 रुपए किलो, और चिप्सोना बिक रहा है दोस्तों 20 से 25 रुपए किलो, और 37 स्थान बिका है 22 से 24 रुपए किलो, और LR बिका है MP का दोस्तों 22 से 24 रुपए किलो, और 302 बिका है 20 से 22 रुपए किलो। अब दोस्तों अब विशाखापट्टनम मंडी की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहां पे यूपी का आलू बिक रहा है 22 से 24 रुपए किलो, और बंगाल का आलू बिक रहा है दोस्तों 20 से 24 रुपए किलो। और दोस्तों मध्य प्रदेश की और बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अभी पर्ची दिखाऊंगा अपने आलू की मेरा क्या रेट बिका है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो MP उज्जैन में दोस्तों जो ज्योति आलू वो बिका 15 से 17 रुपए किलो, और चिप्सोना बिका 16 से 17 रुपए किलो, LR बिका 14 से 16 रुपए किलो, और अगर मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो वहां पर ज्योति आलू बिका 13 से 17 रुपए किलो, और चिप्सोना बिका 13 से 16 रुपए किलो, और दोस्तों अगर पुखराज की बात करें वो बिका 10 से 16 रुपए किलो, और LR बिका 10 से 16 रुपए किलो। तो ये तो रहे दोस्तों आज के आलू के भाव। अब जानते हैं दोस्तों फिलहाल जो कोल्ड में आलू बिका है वो पहले दोस्तों मेरे आलू के लगे थे 665 रुपए, जो मैं अभी आपको सबूत दिखाऊंगा, और वही लॉट का वही आलू दोस्तों आज बिका है 810 रुपए मैंने, लेकिन बेच दिया है क्योंकि धीमे धीमे हर रेट में आलू को बेचता रहना चाहिए। जैसे कि अगर 800 बिका है, कल अगर 900 होता 900 में बेचेंगे, 1000 होता 1000 में बेचेंगे, तो सभी आलू धीमे धीमे बेचते रहने में ही दोस्तों हमारी भलाई है। लेकिन 665 रुपए मुझे कम लगे, तो इस वजह से तब नहीं बेचा, लेकिन आज मैंने बेच दिया है दोस्तों 810 रुपए में। और किर्री थी दोस्तों वो बेची मैंने 300 रुपए में, क्योंकि उसी के लॉट में जुड़ी हुई थी और करीब 20 से 25 पैकेट थे, इस वजह से वो भी मैंने साथ में बेच दिए हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ अभी पर्ची, और आज जो सैंपल की बात करें दोस्तों काफी जबरदस्त सैंपल निकली है, किसान भी काफी आए। अब दोस्तों आने वाले टाइम में किसानों की बढ़ोतरी और भी हो सकती है, तो अब आपको किसान भाइयों यही है कि अपने आलू को, जैसे बारिश आ रही है अभी भी काफी ज्यादा, कुछ लोग बारिश का इंतजार करेंगे, कुछ लोग नौ दुर्गे का इंतजार करेंगे, कुछ श्राद्ध का इंतजार करेंगे, तो आपको हर स्टेप पर धीमे धीमे आलू को बेचते रहने में ही सबसे अच्छी भलाई है, क्योंकि आलू दोस्तों कुछ भी करा सकता है। तो इस वजह से दोस्तों आइए आपको मैं सबसे पहले सबूत दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बाद में मैं आपको बताऊंगा।
ये देखिए दोस्तों, इस समय जो आप पर्ची देख रहे हो ये आज की पर्ची है। जब लॉट बिक जाता है तो ऐसी पर्ची मिलती है पीली कलर की, और उससे पहले दोस्तों ये वाली पर्ची मिलती है हमको जब नहीं बिकता है। इसमें लॉट नंबर बड़े ध्यान से देखना है पूरी पर्ची को, क्योंकि मैं आपको सच दिखा रहा हूँ। 16/49/119 इसमें लॉट है और 655 मेरे रेट लगे थे उस समय। 750 रुपये आलू चल रहा था अच्छी क्वालिटी का, एक नंबर क्वालिटी का। तो जब मेरे 655 लगे थे मैंने नहीं बेचा, क्योंकि मुझे कम लॉट लग रहे थे। ये 17/49 लॉट नंबर है। अब दोस्तों आज जो पर्ची बिकी है तारीख देख लीजिए, ऊपर 16/7/2022 है जो आप देख पा रहे हो, नाम भी देख सकते हो, और 17/49 लॉट नंबर है और बटे 119 में। अब इसमें जो किर्री साइज है देख रहे हो, और दर देखिए 285 बिका है इसमें, और किर्री साइज है जो किस्म का लिख रखा है किर्री साइज है। और ये दोस्तों इसी में ये जो है ये मोटा बिका है, और इसमें भी देखो 17/49 लॉट नंबर है बटे 119, और इसमें जो मोटा है वो बिका दोस्तों 810 रुपये जो आप देख पा रहे हो। दर इसमें 810 रुपये 52/300 की तौल में जो आप देख पा रहे हो, 810 रुपये में मेरा ये बिका है। तो दोस्तों कितना बड़ा अंतर आया है, इसी को तेज़ी कहते हैं। कि जब आपका कोई भी आलू अगर पहले किसी रेट में बिक रहा है लेकिन उससे 100 रुपये बढ़ के या 50 रुपये बढ़ के बिकता है, तो ये मान लीजिए कोल्ड में तेज़ी है, तो इसी को कहते हैं तेज़ी। दोस्तों मैंने ये आलू बेच दिया, मैं हर भाव में अपना आलू धीमे धीमे बेच रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज ये बेच दिया, आपके लिए पूरा सबूत दिखाया है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हो मैंने सबूत के साथ आपको सारा कुछ बता दिया है। तो अपना आलू अपने दिमाग से और सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, धीमे धीमे बेच सकते हो, कोई भी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से बेचते रहिए दोस्तों। तो आपने ये अभी पर्ची देखी, पूरा सबूत देख लिया, तो यही दोस्तों मुझको दिखाना है, क्योंकि जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ होता है। तो इस वजह से दोस्तों आपको बिल्कुल सच मैंने जो था वो मैंने आपको बता दिया, पूरा अपना बायोडाटा दे दिया है कि पहले कौन सा किस लॉट का क्या रेट बिका, आज बिका है, और मैंने देखो बेच भी दिया, पूरा आपको बता दिया है। और दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताना, और वीडियो लेट लाए इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू।